बिग बॉस में नजर आ रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना रैपर रैपर नेवी। रैपर को देखकर अक्सर ये लगता है जैसे या तो वो नशे में धुत हो या फिर उन पर किसी सुपर नेचुरल चीज का असर हुआ हो। नेवी कई बार घर में ये कहते सुनाई दिए हैं कि उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। नेवी ने कहा था कि उन्हें कैद कर लिया गया था। रैपर ने खुलासा किया था कि उन्हें सुपर नेचुरल चीजें दिखाई देने लगी थी। आखिर क्या हुआ था नेवी के साथ, क्या है रैपर की जिंदगी का सच, चलिए आपको ये बताते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि रैपर नेवी का असली नाम नावेद शेख है। अब आते हैं रैपर की जिंदगी के छुपे हुए राज पर। मीडिया रिपोर्ट्स और बिग बॉस में खुद नेवी के किए हुए दावों की माने तो साल 2018 में नेवी को झूठे आरोपों के चलते जेल भेज दिया गया था। ये तब की बात है जब नेवी की लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्म गली बॉय की शूटिंग चल रही थी। और सिर्फ एक साल की जेल ही नहीं, खबरें ये भी थी कि रैपर नेवी ड्रग एडिक्टेड थे। नेवी को उस वक्त नशे की इतनी लत थी कि वो नशे के बिना रह नहीं पाते थे। इसी एडिक्शन के चलते नेवी ने लंबा वक्त रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी बिताया। रैपर खुद बिग बॉस में इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स ने उन पर सुपर नेचुरल चीजें की। नेवी ने कहा कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई और दिखाई देना शुरू हो गई थी। रैपर ने कहा कि मैं खुद को भूलता जा रहा था और नेवी की जिंदगी की मुश्किलें सिर्फ उनके कॉम्पिटिटर्स ने ही नहीं बढ़ाई बल्कि उनके चाहने वालों ने भी कभी उनका साथ नहीं दिया। नेवी के माता पिता ने उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि नेवी 9 to 5 जॉब करे, एक स्टेबल जॉब। और जिस लड़की से नेवी ने दिल लगाया था वो भी नेवी से अलग हो गई। जी हाँ, जेल, ड्रग्स, काला जादू, हार्ट ब्रेक, फैमिली का अगेंस्ट होना, अपनी जिंदगी में सब कुछ देख चुके हैं रैपर नावेद शेख। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।